हे गाइस व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अनुमश तो जीता आप देखे छोटो गेम। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह पर ही एक न्यू इवेंट आया है, जिस इवेंट के माध्यम से आपको एक पैराशूट का स्किन मिल जाएगा और आपको एक टी शर्ट भी मिलेगा जो माउंटेन ड्यू के कोलेबोरेशन के साथ मिला हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्किन है ये आपका मैक्सिमम आप 15 डेज तक ले सकते हो, दोनों के दोनों ही। मतलब आप पैराशूट का स्किन भी 15 डेज तक ले सकते हो, या फिर आपका जो टी शर्ट होगा माउंटेन ड्यू का, वो भी आप मैक्सिमम 15 डेज तक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उनको कलेक्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए ये जो माउंटेन ड्यू कैन, वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि माउंटेन ड्यू कैन होगा तभी जाकर आप इनको ले सकते हो। 15 माउंटेन ड्यू कैन होगा तो फिर आप ये 5 दिन के लिए ले सकते हो, लेकिन अगर आप 45 कलेक्ट करते हो माउंटेन ड्यू कैन, तो फिर आपको यहाँ से आप 3 बार रिडीम कर सकते हो। तो 15 करके 3 बार 45 कैन सबको लगेगा, 15 डेज तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड वैसे ही आपका ये जो आउटफिट है वैसे भी सेम है। ठीक है, मतलब आउटफिट भी आप 15 डेज तक ले सकते हो। ठीक है, और पैराशूट का स्किन भी आप 15 डेज तक मैक्सिमम ले सकते हो। ठीक है, 15 करके आपके पास माउंटेन ड्यू कैन होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो माउंटेन ड्यू कैन आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे हमेशा आता है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पर मिशन के द्वारा दिया जाता है, जिनको बोला जाता है कि आप कलेक्ट करोगे तो उसके हेल्प से आप रिडीम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बार को ऐसा यहाँ पर इवेंट कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो माउंटेन ड्यू कैन है ये आपको लेने के लिए आपको क्लासिक मैच खेलना होगा। क्लासिक मैच खेलोगे तो आपको कुछ कुछ जगह पर आपको माउंटेन ड्यू एक मतलब जो वेंडिंग मशीन होता है वो देखने के लिए मिलेगा। वेंडिंग मशीन कौन सा होता है, जहाँ पर हम पैसे डालते हैं और नीचे से कोल्ड ड्रिंक्स कैंस निकल के आते हैं, उनको वेंडिंग मशीन बोलते हैं। तो वो वेंडिंग मशीन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एकदम माउंटेन ड्यू लिखा हुआ होगा। एंड वहाँ पर जाके आस में जाओगे तो वहाँ पर परचेज वाला ऑप्शन आएगा, एंड वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक कैन आ जाएगा। जो वेंडिंग मशीन है, मतलब ये माउंटेन ड्यू जो वेंडिंग मशीन है जहाँ से आप कैन को ले सकते हो, ये बहुत सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा, बहुत ही सारी जगहों पर आपको मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप खेलोगे उतने ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आप जितना ज्यादा खेलोगे क्लासिक मैच को, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मैं आपको 3 लोकेशंस आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी ज्यादा मैचेस को खेलूंगा, ज्यादा एक्सप्लोर करने जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा। मैं आपको 3 to 4 लोकेशंस अभी दिखा देता हूँ, आप जाओ जाकर वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, आप ये क्या कर, आप इसको मतलब अपने फ्रेंड को भी वहां पर ड्रॉप करके दे सकते हो, या फिर आप अगर खुद ले लेते हो तो आप एक मैच के अंदर बहुत सारे मतलब वेंडिंग मशीन के जाकर आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आप 5 लोकेशंस में जाते हो तो 5 लोकेशंस में जाकर ही आप एक एक करके कलेक्ट कर पाओगे। एंड आप जब मैच खत्म होगा तो आपके बैक एंड मतलब इन्वेंट्री के अंदर आपको 5 ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने एक ही मैच खेला था और एक ही मैच के अंदर मैंने 3 लोकेशंस पे गया था और 3 लोकेशंस पे जाकर एक एक करके लिया था। मतलब एक मशीन से आप एक ही ले सकते हो, तो एक एक करके लिया था, तो मेरे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 माउंटेन ड्यू कैन बन चुके हैं। और वो 3 लोकेशन आपको क्या कौन से होंगे मैं आपको आगे जाकर दिखा देता हूँ। तो आप इन जगहों पर जाकर ले लो, जाना, जाने के बाद परचेज वाला ऑप्शन आएगा और वहाँ पर जाकर क्लिक करना, तो वहाँ पर आपको एक एनर्जी ड्रिंक मिलेगा और उसके साथ माउंटेन ड्यू कैन भी आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 लोकेशंस दिखा रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोकेशंस हैं। आप जितना ज़्यादा क्लासिक मैच खेलोगे उतना ज़्यादा आपको आसपास में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है,